देखते हैं कि हमारी जो बहू बेटियां हैं उनके सपने अधूरे रह जाते हैं। इनके सपनों को उड़ान देने के लिए आपके पास आ रहा है स्किल इंडिया। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। मल्टीक्राफ्ट प्राइवेट ITI गोविंदपुर धनबाद। एडमिशन ओपन। ट्रेड इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर। कॉन्टेक्ट नंबर 9431168747। हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ाया था कि ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या है। ठीक है, क्या ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में बहुत सारे हैं, बहुत सारे उपकरण हैं, तो आपको सभी के बारे में जानना होगा कि कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानते हैं तो मुझे और इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक अच्छा ड्राइंग बनाने के लिए आपको हर इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानना होगा और उसके यूजेस से उसका इस्तेमाल किया जाता है आपको ये भी जानना होगा। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रह गए हैं वो मैं कवर करवा दूं, उसके बाद हम अगले टॉपिक पर चलेंगे कि अगला टॉपिक हमारा क्या है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। क्या है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड ड्राइंग उपकरण? तो ये क्या पढ़ेंगे? प्रोपोर्शनल डिवाइडर, लीड केस, रूलिंग पेन और लेंथनिंग बार। प्रोपोर्शनल डिवाइडर क्या है ये पहले जानते हैं। जिस तरह का डिवाइडर था, जिस तरह का विभाजक था, उसी तरह का प्रोपोर्शनल डिवाइडर भी है। पर अंतर क्या है कि जो प्रोपोर्शनल डिवाइडर होता है इसके जो दोनों लेग होती है, इसका जो दोनों पैर होता है, इसका जो दोनों पैर होता है वो क्या है? स्लाइडिंग पैवेट के द्वारा जुड़ी होती है। किसके द्वारा जुड़ी होती है? स्लाइडिंग पैवेट के द्वारा जुड़ी होती है। इसकी दोनों पैर प्रोपोर्शनल डिवाइडर की जो दोनों लेग होती है उस स्लाइडिंग पैवेट के द्वारा जुड़ी होती है। और इसमें क्या है, इसमें मेन पॉइंट क्या है, इसमें हमारी स्केल बनी होती है। जो प्रोपोर्शनल डिवाइडर हमारा होता है इसमें क्या स्केल बनी होती है, एक पैमाना बना होता है। किस लिए बना होता है? किसी भी ड्राइंग को इनलार्जिंग करने के लिए और किसी भी ड्राइंग को रिडक्शन करने के लिए, यानी कि वर्धमान करने के लिए और लघुकरण करने के लिए इसमें स्केल बना होता है। मैंने आपको स्केल के टॉपिक में साइज स्केल पढ़ाया था कि फुल स्केल क्या है, रिडक्शन स्केल क्या है, इनलार्जिंग स्केल क्या है। तो क्या है? प्रोपोर्शनल डिवाइडर क्या है? इसकी जो दोनों लेग होती है वो स्लाइडिंग पैवेट के द्वारा जुड़ी होती है और इसमें क्या स्केल बना होता है। इस्तेमाल कहां करते हैं? किसी भी ड्राइंग की इनलार्जिंग करने के लिए या फिर रिडक्शन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि बताओ कि ऐसा डिवाइडर का नाम बताओ जिसमें की स्केल बना होता है, ऐसे डिवाइडर का नाम बताओ जिसमें की स्केल बना होता है, जिसमें की पैमाना बना होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा प्रोपोर्शनल डिवाइडर। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। इस्तेमाल कहां करते हैं? ड्राइंग की इनलार्जिंग के लिए या फिर ड्राइंग की रिडक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला क्या हमारा? लीड केस। लीड केस क्या है? आपने पेंसिल देखी होगी। पेंसिल क्या होती है? पेंसिल होती है हमारी, ये पेंसिल होती है हमारी, इसमें जो नुकीला पार्ट होता है, इसका जो नुकीला पार्ट होता है, जो ब्लैक पोर्शन होता है, उससे हम क्या करते हैं? लिखते हैं, लिखते हैं ना, उसी से हम लिखते हैं। तो लीड केस हमारी वही होती है। ये क्या होती है? अलग से मार्केट अवेलेबल होती है। ये बस क्या बस लीड मिलती है। क्या मिलती है? लीड ही मिलती है। क्या होता है कि चलो जो प्लेन कंपास है, जो प्लेन का प्रकार है, उसमें क्या लोग पेंसिल को एडजस्ट करने की जगह दी होती है। लेकिन जो स्प्रिंग कंपास होती है, मैंने प्लेन कंपास और स्प्रिंग कंपास के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, लेकिन जो स्प्रिंग कंपास होती है उसमें क्या लोग पेंसिल को एडजस्ट करने की जगह नहीं दी होती है, उसमें क्या करते हैं हम लोग लीड को एडजस्ट करते हैं। वहां क्या है? वहां पर लीड को एडजस्ट करने की जगह दी होती है। इसलिए क्या है कि मार्केट में अलग से लीड मिलती है। क्या है? अलग से लीड मिलती है, सिलेंड्रिकल टाइप में रहती है, पतली सी रहती है और लंबी लंबी रहती है। ठीक है, अगर आप ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट खरीदोगे तब लीड भी खरीदोगे। तो क्या है कि लीड क्या होती है? सिलेंड्रिकल होती है, पतली सी होती है, लंबी लंबी होती है और ब्लैक पोर्शन की होती है, ब्लैक रंग की होती है। तो क्या करते हैं हम लोग स्प्रिंग कंपास में पेंसिल को एडजस्ट करने जगह नहीं होती दी होती है, वहां क्या करते हैं? लीड को एडजस्ट करते हैं। क्या करते हैं? लीड को एडजस्ट करते हैं, और लीड को एडजस्ट करने जगह दी होती है और उसी से लोग सर्किल या फिर आर्क को बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सर्किल बनाते हैं। तो पर्वत काम क्या है? कंपास का काम क्या है? सर्किल बनाना, आर्क बनाना, इसमें कंपास का काम होता है। तो क्या है कि प्लेन कंपास में क्या कि उसे पेंसिल को एडजस्ट करने की जगह दी होती, स्पेस दिया होता है। लेकिन जो लीड केस जो हमारी जो स्प्रिंग कंपास होती है उससे पेंसिल को एडजस्ट करने की जगह नहीं दी होती है, वहां पर क्या करते हैं? वहां पर लीड को एडजस्ट करते हैं और उससे अपना काम करते हैं। ये हमारी होती लीड केस होती है। ठीक है, अगला क्या हमारा? रूलिंग पेन या फिर उसको लाइनर पेन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? रूलिंग पेन या फिर लाइनर पेन। कि रूलिंग पेन क्या है? आप अगर ड्राइंग बनाओगे
ठीक है। अब मान लो आपको ड्राइंग बनाने के बाद आपको उस ड्राइंग को इंक से पूरा कवर करना है। आपने ड्राइंग बनाई, किसी चीज की ड्राइंग बनाई है, कोई भी ऑब्जेक्ट की जो ड्राइंग बनाई है, आपने ड्राइंग बना लिया। अब आपको क्या है कि ड्राइंग को सुरक्षित रखने के लिए, लंबे समय तक रखने के लिए, उसकी जो लाइनें वो मिटे ना, आपको आपको से उसको इंक से ड्रॉ करना है। तो उस टाइम क्या है, रूलिंग पेन का इस्तेमाल करते हैं। रूलिंग पेन क्या होती है, इसके अंदर इंक भरी होती है। क्या भरी होती है, इंक की सिहाई, सिहाई आपने देखा होगा, सिहाई के और इसके अंदर भरी होती है। अगर आप इसे ड्रॉ करते हो तो क्या होगी, एक सिहाई से बनी लाइन आपको दिखेगी। हमें पेंसिल से लाइन, पेंसिल से बनी लाइन दिखती है। जो रूलिंग पेन होती है, जो लाइनिंग पेन होता है, ये हमारा क्या होता है, इसके अंदर स्याही भरी होती है। और ये क्या कहते हैं, ड्राइंग के ऊपर हम लोग स्याही से बनी ड्राइंग बनाते हैं। ठीक है, क्यों बनाते हैं, कि हमारी जो ड्राइंग है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहे, उसकी लाइनें मिटे ना। क्योंकि आप उसको पेंसिल से बनाओगे ना, और जब बहुत लंबे टाइम तक रखोगे तो क्या होता है, पेंसिल जो लाइनें होती है वो मिट जाती है, खुद ब खुद मिट जाती है। इसलिए क्या करते हैं, हम ऊपर से इंक से ड्रॉ कर देते हैं। क्या करते हैं, इंक से ड्रॉ कर देते हैं, जिससे कि उसकी लाइनें मिटे ना और लंबे समय तक सुरक्षित रहे। तो किसका इस्तेमाल करते हैं, रूलिंग पेन का इस्तेमाल करते हैं, जिसे लाइनर पेन भी कहा जाता है। ठीक है, चौथा क्या हमारा, लेंथनिंग बार। क्या हमारा, लेंथनिंग बार। लेंथनिंग बार भी सिंपल है। ये क्या होता है, एक जो अपनी कंपास होती है, जो प्रकार होता है, और जो इंकिंग कंपास होती है, यानी स्याही का कंपास होता है, उसको जोड़ करके सर्किल या फिर आर्क बनाते हैं। क्या करते हैं, जो कंपास है, जो प्रकार है, और जो हमारा इंकिंग कंपास है, उसको जोड़ करके, ज्वाइन करके हम लोग क्या करते हैं, सर्किल या फिर आर्क बनाते हैं। ये हमारा लेंथनिंग बार होता है, वैसा बार जिसमें कंपास और इंकिंग कंपास को जोड़ करके सर्किल या आर्क बनाया जाए, उसे लेंथनिंग बार कहा जाता है। फ्रेंड्स, हमारे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स में एक मिनी ड्राफ्टर एंड ड्राफ्टिंग मशीन क्या है, बाकी है। वो क्या है, मैं अगले क्लास में आपको कवर करूंगा, मिनी ड्राफ्टर क्या है, ड्राफ्टिंग मशीन क्या है। फिर मैं आपको ड्राइंग शीट, कन्वेंशन, लाइंस सभी के बारे में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। आई एम सोनू सूद एंड आई सपोर्ट स्किल इंडिया। कौशल भारत, कुशल भारत। मल्टीक्राफ्ट प्राइवेट आईटीआई गोविंदपुर धनबाद। एडमिशन ओपन। ट्रेड इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर। कॉन्टैक्ट नंबर 9431168747।